हेलो, माय सेल्फ राधिका देशपांडे, लाइन इज राधिका देशपांडे। मैं शॉर्ट में अभी डॉक्टर साहब का परिचय देती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्लब के इस प्रोग्राम में, जहाँ की सब लेडीज वर्क करते हैं, और सिर्फ फैमिली के लिए ही नहीं तो समाज के लिए भी काम करने वाले सभी लेडीज हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने कार्य में बहुत बिजी होते हैं। और लाइन इज क्लब शेगांव की ओर से जो आज का उपक्रम हमें दिया गया है प्रोटोकॉल के अनुसार, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित कुमार मधुसूदन जी बागाड़िया, जो कि एमएस है, एम्स न्यू दिल्ली से उन्होंने एमएस किया है, और कैंसर सर्जरी टाटा हॉस्पिटल मुंबई में उनका एमसीएच हो गया है, एडवांस्ड ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग पेरिस में हुआ है, और फिलहाल आप बगाड़िया हॉस्पिटल अमनखा प्लॉट्स में, बगाड़िया कैंसर हॉस्पिटल अमनखा प्लॉट्स में सर्विस दे रहे हैं। साथ ही साथ संत तुकाराम कैंसर हॉस्पिटल अकोला के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। हमें बहुत खुशी है कि आज हम सब आपसे मिल रहे हैं, और आज हमें कैंसर अवेयरनेस के लिए जो मार्गदर्शन मिलेगा, इसका हम बहुत ही वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। सो मैं आज डॉक्टर साहब का लाइनेस क्लब शेगांव की ओर से सबसे पहले वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ, और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब वे अपना मार्गदर्शन शुरू करें। मैं आपको होस्ट होस्ट बना रही हूँ, और आपका माइक भी अनम्यूट कर रही हूँ। सभी के साथ आपका परिचय तो हो ही गया है, और भी कुछ लेडीज हैं जिनसे हम और बीच बीच में लेंगे। धन्यवाद। हेलो सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मे बी स्टार्ट नाउ। हेलो मैडम, एम आई ऑडिबल? हेलो 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 अच्छा, अभी मेरी मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैम आप अपने आप को अनम्यूट रखिए ना, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको आस्क अनम्यूट किया है। थैंक यू। यस सर, आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छी तरह से, आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सभी माताओं, सभी बहनों को मेरा सादर नमन। देशपांडे मैडम को स्पेशली थैंक यू फॉर अ जेनरस इंट्रोडक्शन। मैं आज यहाँ पर लॉयनेस क्लब में आपसे चर्चा कर पाने के लिए सभी का शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली देशपांडे मैडम, लॉयनेस शर्मा मैडम, डॉक्टर अनुषा बुटाला मैडम, डॉक्टर गोयनका मैडम, डॉक्टर ज्योति बुटाला मैडम, डॉक्टर पल्लवी बानुली मैडम, सभी ऑफिस बेयरर्स और सभी मेंबर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ, ताकि जिसके उन्होंने चर्चा आपसे चर्चा करने का मौका दिया। और आज जैसे कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस मंथ का सेलिब्रेशन चल रहा है, इसी अवसर पर हमने ये इतना उपयुक्त प्रोग्राम रखा, जिसके लिए मैं लॉयनेस क्लब को बधाई देना चाहता हूँ। इसके इसके उपरांत मुझे मौका मिलेगा ताकि मैं आपसे चर्चा करूँ और इस भयावह बीमारी के बारे में आपको समाज में जागरूकता लाऊँ और आपको इस बारे में अवेयर कर सकूँ, ताकि आप भी अपने क्लब के एक्टिविटीज के चलते इस बारे में और अवेयरनेस लाएं और हम कैंसर पर विजय पाने में सक्षम रहें। जैसे कि आप जानते हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि धर्म, जात, छोटा बड़ा, महिला पुरुष, अमीर गरीब, बड़े छोटे, नेता अभिनेता, किसी में भेद नहीं करता। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब इंसान से लेकर बड़े से बड़े नेता अभिनेता, हर किसी को कैंसर अपनी चपेट में लेता है। आप जानते हो, देश के बड़े अभिनेता संजय दत्त आज लंग कैंसर से जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि ऋषि कपूर ब्लड कैंसर के शिकार हुए हैं। राकेश रोशन को गर्दन थ्रोट का कैंसर हुआ था। इरफान खान न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर ग्रस्त थे। नजीब दत्त को पैनक्रियाटिक कैंसर मतलब अग्नाशय का कैंसर की तकलीफ थी। आप जानते हैं, मनीषा कोइराला को ओवेरियन मतलब अंडाशय का कैंसर हुआ था। मुमताज ब्रेस्ट कैंसर की शिकार बनी। विनोद खन्ना ब्लैडर कैंसर के शिकार बने। इस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े लोगों को, नेता अभिनेता, राजनेता, अभिनेत्रियों को कैंसर अपना शिकार बनाया है। कैंसर से बचने का कोई एक स्पेसिफिक उपाय नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जागरूकता जितनी फैलेगी उतना कैंसर से विनाश कम होगा। कैंसर एक बड़ी चुनौती है, मेन इसलिए भी क्योंकि कैंसर से प्रति वर्ष भारत में तकरीबन 11 लाख नए मरीज हर वर्ष अफेक्ट होते हैं। 11 लाख हर वर्ष कैंसर के मरीज भारत देश में देखे जाते हैं, जिसमें से तकरीबन 5.5 लाख महिलाएं और 5.5 लाख पुरुष होते हैं। पुरुषों में मुख्य तौर से पाए जाने वाले कैंसर, जैसे कि आप देखते हैं कि मुंह का कैंसर, गले और फेफड़े का कैंसर, ये दोनों हैं जिनके मेन कारण बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान का सेवन बताया जाता है। महिलाओं में मेन सबसे मुख्य कॉमन कैंसर पाया जाने वाला है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर माने कि गर्भाशय मुख का कैंसर। बदकिस्मती से भारत देश दुनिया में पहले नंबर पर सबसे आगे लीड कर रहा है, सबसे ज्यादा सर्विक्स कैंसर के केसेस भारत देश में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने देश की माताओं बहनों को इस कैंसर के कैंसर से बचाएं और अवेयरनेस फैलाकर जल्द से जल्द यथासंभव उनका ट्रीटमेंट हम करें। प्रतिवर्ष भारत में तकरीबन 8 लाख पेशेंट की मृत्यु कैंसर से हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 महीनों में, केवल पिछले 6 महीनों में भारत देश में तकरीबन 4 लाख लोगों ने कैंसर से अपनी जान गंवाई है, जबकि पिछले 6 महीनों से कोरोना वायरस यानी कोविड से आज तक 1 लाख मृत्यु हुई है भारत देश में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मीडिया कवरेज ने हमें अपने अवेयरनेस से भटका दिया है, किस तरह से पूरी तरह से फोकस मीडिया सिर्फ टीआरपी बेस्ड करते हैं और कोविड पर फोकस है, लेकिन कैंसर जिससे कि 4 गुना ज्यादा मौतें हुई है पिछले 6 महीने में, कोविड से 1 लाख और कैंसर से 4 लाख मौतें हुई है, और उस पर कोई मीडिया कवरेज, कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि टीआरपी बेस्ड मीडिया का प्रोपगंडा हो रहा है। इसलिए हमें जरूरी है जिस तरह के सामूहिक सोशल इवेंट्स, जिस तरह से लॉयनेस क्लब ने फोरफ्रंट पर आकर ये बहुत अच्छा लिया है प्रतिष्ठान, उसका हमने यूज करना चाहिए और दूर तक लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि कैंसर एक बहुत घातक रोग है जिसकी रोकथाम और इलाज संभव है, यथासंभव है यदि सही वक्त पर इलाज उपचार लिया जाए तो।
सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बेसिकली कैंसर क्या है। कैंसर एक अपने ही शरीर की एक कोशिका है, ये कोई अन्य कोशिका नहीं बल्कि हमारे ही शरीर का एक अंग है, जो कि इसका जिसके डिवीजन जिसका मल्टीप्लिकेशन आपस में बढ़ गया है और असामान्य और अनियमित रूप से फैला जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से कैंसर के कोशिका जो नॉर्मल कोशिका यहाँ पर दर्शाई गई है हरे रंग से, उनके बजाय जो कैंसर की कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगी है और साथ साथ नॉर्मल कोशिका में घुसना शुरू हो जाती है। इसके कारण कैंसर को फैलने का खतरा हो जाता है, शरीर में बढ़ने का कैंसर हो जाता है। मैं आपको गौर कराना चाहूंगा कि कैंसर एक संसर्गजन्य रोग नहीं है। तो कृपया कर अपने दोस्त मित्र इष्ट परिवारजनों को अपने समाज सोसाइटी वालों को कैंसर के ग्रसित पेशेंट्स को डिस्टिंक्ट ना करें, अपने से अलग ना करें, उनका उन्हें अपने साथ रखें, उन्हें उनकी सेवा करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये एक से दूसरे को बीमारी नहीं फैलती है। इस आज की हमारी चर्चा की यदि आप कहें कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो मैं कहूंगा ये एक स्लाइड, ये एक टॉपिक आज की हमारी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। यदि आप इस स्लाइड को अपने आप तक रखते हैं, अपने साथ में सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए फैलाते हैं, तो आपने ये बहुत बड़ा नेक काम किया है, ये मैं मानूंगा, ये मैं समझ जाऊंगा, जिससे कि सबसे ज्यादा माताएं बहनें और पुरुष के कैंसर की इसमें भर्ती है, जिसके कॉमन कैंसर के लक्षण हमने शेयर किए हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके आपको देखे गए हैं या आपके पहचान में आए हैं, तो आपने जरूर किसी ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना चाहिए। क्या आपके शरीर में कोई जख्म है जो नहीं भरा है? क्या आपके शरीर में या स्तन में कहीं पर कोई गांठ है जो काफी वक्त से आई है? क्या आपको निगलने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, लगातार अपचन रहता है? क्या आपको रक्त असमान तरह से रक्त स्राव होता है, शरीर के किसी अंग से रक्त निकलता है, रक्त बहता है, खून उल्टियां होती है या लैट्रिन में खून आता है? क्या आपको लंबे समय से सूखी खांसी है? क्या आपकी आवाज बदल गई है? क्या आपने कभी ध्यान दिया आपके मलमूत्र विसर्जन प्रक्रिया में कोई फर्क आया है? क्या आपके शरीर में कोई नया मस्सा, कोई नया तिल, कोई नया जख्म, कोई नया छाला आया है जो कि बढ़ने लगा है? क्या आपके सफेद दाग आपने देखा है कोई अपने शरीर पर, चेहरे पर नया काला दाग, सफेद दाग, किस तरह का मस्सा देखा है? यदि हाँ, तो फिर जरूरी है कि आप जल्द से जल्द किसी एक डॉक्टर की सलाह लें। कैंसर के बढ़ने में, कैंसर के पाए जाने में सबसे मुख्य कारण जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वो तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन एक इस तरह का आत्मघाती व्यसन है जिसे कि एज सून एज पॉसिबल हमें, जिससे हमको अपने समाज को, अपने देश को मुक्त करना है, सबको उससे अवेयर करना है, उसके इल इफेक्ट के बारे में। तंबाकू के कारण मुंह, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर 20 से 50 गुना तक रिस्क बढ़ जाता है। कई लोग, कई नौजवान गुमराह हो जाते हैं, कम उम्र में कैंसर का सेवन चालू कर देते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक वो कैंसर के पदार्थ, मतलब तंबाकू पदार्थ का सेवन करते हैं और उनका शरीर में कैंसर आने की चांसेस बढ़ जाती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि हमारे देश के मीडिया और बॉलीवुड का भी हाथ है, क्योंकि हमारे मीडिया में जिस तरह से कैंसर नशीले पदार्थों को पोर्ट्रे किया जाता है, तो हमारे नौजवान, हमारे युवक समझते हैं कि शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना कूल है, बहुत ट्रेंडी है और ये हीरो के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये खाने से हम स्टाइलिश लगेंगे, शराब पीने से हम स्टाइलिश लगेंगे, गुटखा स्मार्ट लोग खाते हैं, इस तरह से हम लोग इसका सेवन करने लगते हैं, इससे गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं और सही हेल्दी लाइफ स्टाइल से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण कैंसर बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। हमें इन सब व्यसनों से अपने आप को दूर रखना है और मीडिया की गुमराह की हुई रातों में नहीं भटना है, सिर्फ नोइंग, अच्छे सोर्स से मिले हुए नॉलेज पर ट्रस्ट करना है और कैंसर के प्रति अवेयर रहना है। कुछ और कारण पाए गए हैं देश में, जैसे कि मोटापा एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है, जिसके कारण कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। मोटापा सिर्फ हमारी आदतों के कारण नहीं बल्कि कई कुछ हद तक अनुवांशिक भी होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि मोटापे पर काबू हमारे हाथ में हो, परंतु हमारे हाथ में व्यायाम है और हेल्दी डाइट है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो कि हमको अनुपालन करना चाहिए। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे देश में, हमारे पूरे सोसाइटी में कैंसर फैल रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ऐसी इस तरह की लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, अनहेल्दी खानपान है, दिन भर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज नहीं है, और अब तो लॉकडाउन के चलते हम काफी समय तक घर पर ही रहते हैं, घर से निकलते नहीं है, कुछ हेल्प नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं होती है, जिस कारण से लॉकडाउन के चलते, वर्क फ्रॉम होम के चलते हम अपनी कुर्सियों से, टीवी से चिपके रह गए हैं और व्यायाम से दूर हो गए, हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर हो गए, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर नियमित तौर पर व्यायाम करना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कारण कैंसर का है अनुवांशिकता, जैसे कि कई सारे कैंसर मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ओवरी कैंसर इस तरह से पाए गए हैं कि ये परिवारों में चलते हैं, परिवार में एक जने को होने से उनके साथ वाले कई लोगों को होने का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये साथ में रहने से नहीं फैलते हैं बल्कि ये अनुवांशिक कारणों से फैलते हैं, तो आप घबराइए नहीं, यदि आप किसी कैंसर के साथ रहते हैं तो उससे आपका रिस्क नहीं बढ़ेगा, परंतु यदि आपके इमीडिएट फैमिली में कोई कैंसर ग्रस्त मरीज है तो आपका कैंसर होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए आपको जागरूक रहना है और समय समय पर डॉक्टर सलाह लेते रहना। अब हम कुछ भारत देश में पाए जाने वाले कॉमन कैंसर की बात करेंगे, जो कि हम देश में फ्रीक्वेंटली मिलता है बहुत बड़े प्रमाण पे, जिसके कारण देश में हानि पाई गई है, काफी युवक जिसके शिकार है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे भारत देश में ओरल कैंसर, मानी कि मुंह का कैंसर। मुंह के कैंसर के मुख्य कारण वही है जो हमने देखे, तंबाकू, धूम्रपान और शराब। कैंसर की शुरुआत में सबसे पहले स्टेजेस पे मुंह में एक सफेद या लाल रंग का चकत्ता आ जाता है। कई लोगों को मुंह खुलने में तकलीफ हो जाती है, खान पान में दिक्कत होती है, तेज खाना सहन नहीं होता है, छाले हो जाते हैं मुंह में, निगलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, इस तरह के कुछ शुरुआती लक्षण कैंसर के देखे जाते हैं कई सारे लोगों में। तो इन सब आने पर ध्यान रखना है, जल्द से जल्द डॉक्टर सलाह लेनी है। इन तरह की बीमारियों का पूरी तरह से ऑपरेशन से, कीमोथेरेपी, लाइट से पूरी तरह से इलाज संभव है, यदि वे सही वक्त पर सलाह लेने। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन महिला ने सही वक्त रहते, जब गठान छोटी थी उसी वक्त पूरी जांच करवा ली, जीवन पर एक छोटा सा गठान, छोटा सा छाला, उन्होंने सही वक्त पर चेकअप करवाया, ट्रीटमेंट ली, तक फैला हुआ स्प्रेड जो कहते हैं गर्दन से वो भी निकाल दी गई, सारा कैंसर जल्द से निकाल दिया गया और ये महिला आज डिसीज फ्री है, स्वस्थ है, हेल्दी है। इन सर्जन को आप देख सकते हैं जो मेरे पास कई वर्ष पहले आए थे, उस वक्त इनको मुंह पर कुछ सफेद दाग थे और इन्हें सलाह दी गई थी कि इस दाग का इलाज करवाएं, इसे निकलवा लें, इसकी जांच बायोप्सी करवाएं, पर कुछ कारणवश इन्होंने उस सलाह का पालन नहीं किया, दुर्लक्ष किया, कैंसर के इस शुरुआती लक्षण को दुर्लक्ष करके उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से 3.5-4 महीने में आप देख सकते हैं किस तरह से भयानक रूप कैंसर ने ले लिया है और ये जबड़े को, दांतों को, जीवन को, तालू को, हर एक को अपनी गिरफ्त में लेकर फैलना शुरू हो गया है और काफी हद तक लाइलाज भी हो गया है। इन महिलाओं ने सही वक्त रहते डॉक्टर सलाह ली, हमारे पास आ गई, तो उनका छोटा सा जख्म जो पीछे दाग के पीछे छुप रहा था वो भी ध्यान में आ गया और उसने सही वक्त रहते इलाज शुरू हो गया, जिस कारण से आप देख सकते हैं सारा का सारा कैंसर वाला अंग सेफली निकाल लिया गया और पेशेंट को ऑपरेशन करके नया मास्क लगा दिया गया, जिसके कारण आज वो हेल्दी है, बोल सकती है, खाना खा सकती है और सारा कैंसर शरीर से बाहर कर दिया गया।
ये पेशेंट आप देख सकते हैं, ये पेशेंट इस तरह से कुछ मेरे पास कुछ समय पहले आए थे और उन्होंने उन्हें किसी ने गुमराह कर दिया था कि कोई काढ़ा पी लेने से, कुछ जड़ी बूटी लगाने से, कोई तेल लगा लेने से, कुछ अलग तरह के व्यायाम कर लेने से कैंसर इनका नष्ट हो जाएगा। इस तरह के गुमराह किए हुए पेशेंट्स को आप देख सकते हैं किस तरह से कैंसर बढ़ जाता है। ये आपको जानना जरूरी है कि किसी भी तरह के क्वैक इलाज से कैंसर नष्ट नहीं होता है। कई सारे आपको जो झूठे डॉक्टर्स क्वैक्स होते हैं वो गुमराह करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि इस तरह से हमारे तेल हमारे जड़ी बूटी से कैंसर पूरा चला जाएगा। तो आपको सतर्क रहना कि इस तरह का नहीं होता है, बल्कि कैंसर देरी होने से फैल जाता है। और तो सही वक्त रहने ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप कैसे जान सकते हैं कि कैंसर शुरुआत आपको होने लगी है या आप अर्ली स्टेज में कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो आइए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं जिसमें कि आप अपने आप में यदि कैंसर के कोई लक्षण है तो जान सकते हैं। महीने में एक दिन अपना वक्त निश्चित कीजिए और थोड़ा वक्त दीजिए और खुद को आईने के सामने खुद के मुंह को पूरे गहरता से, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, हेलो हेलो, श्योर मैम श्योर, इसमें आ नहीं रहा है एडमिट करने का ऑप्शन, मैंने तो एडमिट करके रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कैसे करना पड़ेगा मैं होस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? नहीं मैं कैसे होस्ट बनाना है आपको? नहीं होस्ट, हाँ ठीक है राइट, मैंने आपको होस्ट बना दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, हाँ हेलो, मैंने होस्ट राइट मैडम, थैंक यू आई विल एडमिट द पीपल, यू कैरी ऑन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम शेयर करेंगे कुछ नुस्खे जिससे कि आप अपने अंदर यदि कैंसर के कुछ अर्ली सिम्टम्स शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो उनको शुरुआती स्टेज में ही पकड़ पाए। हर रोज हर महीने में एक दिन निश्चित करें और अपने आप को आईने के सामने देखें, क्या आपके शरीर में कुछ लक्षण दिख रहे हैं जो आपके शुरुआती कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अपने मुंह को आईने में जांचें, अपने दांत, अपने मसूड़े, अपनी जीभ, जीभ के पीछे का हिस्सा, जीभ के साइड का हिस्सा, शरीर जीभ के पीछे नीचे का हिस्सा, तालू और दांत, इन सब का स्पेसिफिकली लक्षण देखें। देखें यहाँ पर क्या कोई अनयूजुअल ग्रोथ, कोई छाला, कोई जख्म, कोई सफेद दाग चट्टा तो नहीं आ रहा। यदि इस तरह का कोई लक्षण दिखता है तो डॉक्टर सलाह जरूर लें। इसके बाद हम बात करेंगे स्वरयंत्र के कैंसर की, मतलब कि गले के कैंसर की, जो कि काफी कॉमन है और इसके कारण भी धूम्रपान और शराब ही माना गया है। इसके कारण लोगों की आवाज़ बदल जाती है, निगलने में तकलीफ होती है, सांस लेने में भी रुकावट हो सकती है, सांस कई बार बहुत बढ़ जाए तो बंद भी हो सकती है, इस तरह से खान पान कम हो जाता है। ये सब लक्षण स्वरयंत्र के कैंसर पाए जाते हैं। स्वरयंत्र को पूरी तरह से कैंसर के साथ निकाला जा सकता है यदि सही स्थिति में, सही स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए तो, या पूरी तरह से निकालने के बाद इसमें ब्लूम सिंगर या फिर अभी तो लेटेस्ट जो प्रोसेसिस आ रहे हैं उसके साथ पेशेंट को फिट कर दें तो पेशेंट की आवाज़ भी दोबारा आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से स्वरयंत्र पूरी तरह निकाल दिया गया है, कैंसर वाले हिस्से के साथ पूरा स्वरयंत्र बाहर निकाल दिया गया है और पेशेंट स्वस्थ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल टिश्यू और ये कैंसर का हिस्सा, कैंसर का टिश्यू किस तरह से पूरी तरह से सक्सेसफुली बाहर निकल गया है। अब हम बात करेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि स्तन कैंसर की, जो कि महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि सही समय रहते इसका इलाज कर लेने से इस बीमारी को पूरी तरह जड़ से निकालकर पूरी तरह मुक्ति संभव है। जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि कैंसर ये कई लोग में जो मिसकंसेप्ट होते हैं कि जिसके कारण कैंसर बढ़ जाता है, लाइलाज होता है, यदि हम निवारण कर लें तो सारे कैंसर अर्ली स्टेजेस में पकड़े जा सकते हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्तन में गांठ होना या जख्म आना, निपल का अंदर दब जाना, निपल से रक्तस्राव होना, बगल में गांठ आना, ये कुछ कॉमन प्रमुख लक्षण है जिनके बारे में हमें सतर्क रहना है। जांच करके इसका पानी की जांच करके, बायोप्सी की जांच करके इसका पूरा यदि कैंसर आता है तो पूरा इलाज, पूरा ऑपरेशन करके और रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से संभव है, सक्सेसफुल इलाज हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसर की कुछ शुरुआती लक्षण जैसे कि जिस तरह से निपल का अंदर धस जाना या स्किन का थोड़ा सा अंदर धस जाना, ये कैंसर की शिकायत के कारण हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी गठान किस तरह से स्तन के बाहर दिखाई देने लगी है, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। स्तन का आकार या निपल का आकार या कलर में चेंज होना, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ध्यान रखिए कि बहुत छोटे छोटे साइन सिम्टम, छोटे छोटे लक्षण कैंसर के आ सकते हैं जो कि नजरअंदाज करना आसान है मगर जिन्हें पकड़ना जरूरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं निपल पर किस तरह छोटा सा जख्म, छोटा सा घाव, छोटी सी लालिमा आ रही है जो कि एक कैंसर की शुरुआती लक्षण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं निपल से थोड़ा सा रक्तस्राव हो रहा है, थोड़ा सा कैंसर लाल पानी आ रहा है, ये भी कैंसर की एक शुरुआती लक्षण हो सकता है जिसके प्रति हमको जागरूक रहना है, अवेयर रहना है और सही वक्त में सही ट्रीटमेंट लेना है। यदि इस तरह के ट्रीटमेंट हम लेते हैं जब सही वक्त रहते हैं, इस तरह नहीं करते तो बीमारी बढ़ती है, बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारी स्किन में डिसीज के लीजन आ गए हैं और ज्यादा वक्त तक इसे निगलेक्ट यदि किया गया तो आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से नजरअंदाज करने से पूरा स्तन कैंसर ग्रस्त हो गया है, साथ ही साथ बगल में भी बहुत बड़ी गांठ आ गई और शरीर में कैंसर फैलना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं छाती ने, पूरी छाती को कैंसर ने नष्ट कर दिया है। यहाँ पर भी एक स्तन मात्र एक कैंसर का छाला बनकर रह गया है, साथ ही बगल में गांठें आ गई हैं और शरीर में गांठें फैल गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से कैंसर का सही वक्त पर न लेने से, गुमराह होकर गलत ट्रीटमेंट लेने से, क्वैक ट्रीटमेंट लेने से, गलत ट्रीटमेंट लेने के मार्ग में जाने से और सही मेडिकल थेरेपी न लेने से अवॉइड करने से कैंसर कितना बढ़ गया है, ताकि पूरा स्तन ही कैंसर ने रिप्लेस कर दिया है। सही समय पर इलाज हो जाए तो इस तरह की गठान निकाल सकते हैं, सारा कैंसर ग्रस्त टिश्यू निकालकर एक नॉर्मल स्किन लगाई जा सकती है। और आजकल तो जैसा आप देख रहे हैं पूरा कैंसर निकल के नॉर्मल हो गया है। इसके अलावा हम आजकल नया ब्रेस्ट भी बना सकते हैं, इम्प्लांट करके, रिकल करके, सर्जरी करके, इवन ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करके हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं और वहाँ पर स्तन की सुंदरता, शरीर की सुंदरता और नारीत्व को भी बचा सकते हैं यदि सही समय पर हम इसका निदान लगाने को। सही समय पर किस तरह से आप बीमारी को पकड़ सकते हैं, इसके लिए एक टेक्निक है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, माने कि आपको खुद अपने स्तन की तपासनी करनी है, चेकअप करनी है। महीने में एक बार स्नान करते वक्त या किसी समय जब आप वक्त हैं तो आईने के सामने अपने हाथ से अपने स्तनों का चेकअप करें, पूरे चारों दिशाओं में स्तन को पालपेट करें, चेकअप करें, जाने कहीं गठान तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं है, बाजू में बगल में चेकअप करें, निपल को देखें तो कहीं कुछ खून या मवाद या पानी तो नहीं आ रहा है जो नॉर्मल है, जिससे आपको शक हो रहा है कि यदि इस तरह की कुछ फाइंडिंग लगती है तुरंत डॉक्टर का चेकअप कराना जरूरी है। अब हम बात करेंगे स्त्रियों के कुछ अन्य कॉमन कैंसर की, जिनमें कि यूट्रस मतलब कि गर्भाशय, अंडाशय यानी ओवरी और गर्भपुष्टी मुख मतलब कि सर्विक्स, ये कैंसर मुख्य है। सर्विक्स कैंसर में भारत सबसे आगे है जो कि हमें बहुत
ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इसे अर्ली स्टेज से पकड़ना पॉसिबल है। पैप स्मियर टेस्टिंग वगैरह जिस तरह के ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है इनका लाभ लेना चाहिए। वक्त रहते पेशेंट्स ने डॉक्टर से चेकअप करवा के इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। कुछ आप कैसे जानेंगे यदि आपको या आपके किसी पहचान वाले को या आपके सोसाइटी में किसी को कैंसर की शक है, महिला कैंसर है, तो आप कैसे जानेंगे? आपको जानना होगा कि क्या उन्हें कुछ समय से सफेद पानी या खून महिला मार्ग से टपक रहा है, या मासिक धर्म कम या ज्यादा हो गया है, ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, या रजो निवृत्ति के बाद भी क्या उन्हें खून आने लगा है, या पहले बंद होने के बाद दोबारा खून आना शुरू हो गया है। इस तरह की यदि कोई तकलीफ है तो जरूर है, अनिवार्य है कि आप उनसे कैंसर की जांच पूरी करवाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माता जी जो सही वक्त रहते आ गई थी, उनका कैंसर हालांकि इतना बढ़ रहा था गर्भपिशवी मुख का, पर सही वक्त रहते आने के कारण पूरा कैंसर निकाल दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा कैंसर निकल गया है और बाकी जो साथ आपने गर्भपिशवी और आसपास के जो टिश्यू जहाँ कैंसर फैलने की शक्यता होती है पूरी तरह से जड़ से निकल गया है और आज भी माता जी हेल्दी है। पेट का कैंसर, अब इसके कुछ लक्षण जान लीजिए। भूख न लगना, वजन कम हो जाना, बार बार अपचन होना, उल्टियां होना, पेट में फूलापन होना, ये कुछ पेट के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको सतर्क रहना है। यदि आप जानते हैं किसी को जिन्हें इन तरह के लक्षण हो रहे हैं तो उन्हें सलाह दें कि डॉक्टर चेकअप करवाएं। गैस्ट्रोस्कोपी, बायोप्सी आदि निदान के टेक्निक से पूरा निदान हो सकता है और सही स्टेज में हम जान लें तो इनका पूरा ट्रीटमेंट भी हो सकता है, ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है और बाद में कीमो और लाइट से पेशेंट को ठीक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट और टिश्यू निकाल दिया गया और पेशेंट का नया खाने का मार्ग अन्य मार्ग तैयार कर दिया गया। बड़ी आंख का कैंसर मतलब ठंडा मार्ग का जो कैंसर होता है उसमें कई लोगों को सतर्क रहना जरूरी है कि जान लें कि श्वास प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, संडास में खून जाता है, इस तरह की कोई तकलीफ है तो सतर्क रहना है। ऑपरेशन करके बड़ी आंख को निकाल लिया जाता है और बाहर के हिस्से में जोड़ दिया जाता है। कुछ लोगों को यदि बाहर का हिस्सा अवेलेबल ना हो तो पेट से भी संडास मार्ग निकाला जा सकता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बावजूद पेशेंट एक नॉर्मल हैप्पी हेल्दी लाइफ जीवन बसर कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है सही वक्त पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी वो वरदान है जिससे कि बड़े बड़े कैंसर के ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट अपनी डेली लाइफ नॉर्मल लाइफस्टाइल नॉर्मल प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के चलते पेशेंट का जो क्षतिग्रस्त कैंसरग्रस्त अंग है उसे निकाल लिए जाने के बाद नया अंग बनाया जा सकता है। कान, नाक, जबड़े इत्यादि अवयव को काट लेने के बाद चेहरे की विकृति ना हो इसलिए प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके काफी हद तक उनकी तकलीफ कम की जा सकती है, उनका नॉर्मल डायट शुरू किया जा सकता है, वे नॉर्मल तरह से बोल सकते हैं और अपना लाइफ अपना ऑक्यूपेशन शुरू कर सकते हैं। इवन ब्रेस्ट ऑपरेशन करने के बाद ब्रेस्ट का हिस्सा निकालने के बाद ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ब्रेस्ट को प्लास्टिक सर्जरी करके नया अंग बनाया जा सकता है या इम्प्लांट डाला जा सकता है। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे किस तरह से, जैसे इन सज्जन को जीवन के पास कैंसर हो गया था और सही वक्त रहते आने के कारण पूरा कैंसर हम निकाल पाए जिस तरह आप यहां देख सकते हैं, और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी सही वक्त पर करवा लेने से किस तरह से सारा जबड़ा नया बन गया है और वो आज बोल सकते हैं, खा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और अपना ऑक्यूपेशन अपना वर्क अपना लाइफस्टाइल उन्होंने कंटिन्यू कर लिया है। यहां देख सकते हैं किस तरह से चमड़ी नहीं लगी है। ये दूसरे सज्जन है जिनको जबड़े के पीछे का हिस्सा का कैंसर हो गया था, जिन्हें भी शुरुआती स्टेज में आ गए तो इस कारण से पूरी तरह से बीमारी निकाल सके और नया मास्क लगाकर जिससे आप देख सकते हैं सारा गड्ढा भर गया है, आज वो स्वस्थ है, अपना नॉर्मल जीवन बसर कर रहे हैं। इसी तरह से ये पेशेंट, ये सज्जन जिन्हें नाक के ऊपर एक छाला हो गया था जिनका चेकअप करने से मालूम पड़ा कि इसमें भी कैंसर के जंतु हैं, तो उसे भी पूरी तरह से निकाल लिया गया और चेहरे की सिमेट्री रिस्टोर कर दी गई, प्लास्टिक सर्जरी करके गड्ढे को भर दिया गया और शरीर चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल जैसा कर दिया गया जिसे आप देखिए आज पहचान भी नहीं सकते हैं कि इनका इस तरह का कैंसर का बड़ा ऑपरेशन कभी हुआ होगा। ये फ्लैप सर्जरी है जिससे कि ब्रेस्ट का हिस्सा निकालने के बाद में हम शरीर का एक हिस्सा लेके ब्रेस्ट में भर सकते हैं जिससे कि ब्रेस्ट फिर से नया ब्रेस्ट दोबारा से बनाया जा सकता है और शरीर के उस हिस्से को प्राकृतिक रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि कोई मरीज चाहते हैं तो उनके खुद के शरीर के हिस्से से भी ब्रेस्ट बनाया जा सकता है या किसी पेशेंट्स में एक इम्प्लांट डाला जाता है कृत्रिम अवयव जिससे कि एक नया ब्रेस्ट बनाया जा सकता है। ब्रेस्ट और निपल दोनों भी प्लास्टिक सर्जरी करके बनाना संभव है। ये हमने देखे ऑपरेशन से हम ब्रेस्ट कैंसर पर किस तरह से विजय पा सकते हैं। ऑपरेशन के अलावा एक उपचार होता है रेडिएशन जिसे शॉट या सिकाई कहते हैं, उससे भी कई तरह के कैंसर नष्ट किए जा सकते हैं जैसे कि जहां पर सर्जरी करना उपयुक्त नहीं है या उचित नहीं है उस तरह के गठानों पर रेडिएशन से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तीसरा एक मोडालिटी है ट्रीटमेंट के लिए जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, यानी कि कैंसर नाशक इंजेक्शन भारी पावर के इंजेक्शन जिससे कि कैंसर के जंतु नष्ट हो जाते हैं। कई तरह के लिम्फोमा, बच्चों के कैंसर, ब्लड कैंसर इत्यादि में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। कई तरह के कीमोथेरेपी से चिकित्सा से हमें सफलता मिली है। इस दवाई के काफी स्ट्रॉन्ग दुष्परिणाम हो सकते हैं इसलिए बड़ी सावधानी से और उचित देखरेख में ऑन्कोलॉजिस्ट की देखरेख में इनका उपयोग किया जाना अनिवार्य है। कैंसर में आज इतनी उन्नति हुई है कैंसर कीमोथेरेपी में, कैंसर सर्जरी में, कैंसर रेडियोथेरेपी में कि आज बहुत असरकारक दवाइयां हमारे देश में बनने लगी हैं जिसका कारण सही कीमत पर उचित दाम पर हमारे देश में आज हर कोई इसका लाभ ले सकता है। जैसे कि इन सज्जन को बहुत बड़ी गठान जैसे आप देख सकते हैं सारे गर्दन में पूरी गठान हो गई थी, सिर्फ गर्दन नहीं तो कान के पीछे पीठ तक बालों के नीचे पूरी गठान थी, परंतु उनका जब बायोप्सी किया तो मालूम पड़ा इस तरह का कैंसर है जिसे कीमोथेरेपी से नष्ट किया जा सकता है, तो उन्हें कीमोथेरेपी दी और आज बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी है। अब हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, किस तरह से इसके इफेक्ट्स का हम मिटिगेशन कर सकते हैं, कम से कम तकलीफ पाकर इससे निवारण पा सकते हैं। सबसे जरूरी है बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान, शराब का सेवन बंद करना। हमारे समाज में हमारे युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना, अपने दोस्त मित्र इष्ट रिश्तेदारों को इसके बारे में जागरूक करना, कैंसर से दूर ले जाना, नशे से दूर ले जाना, सिगरेट स्मोकिंग बंद करना। मैं समझता हूं आप जानते हैं, आप कह रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट छुड़वाना इतना आसान नहीं है, लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो यदि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि कैंसर छोड़ना चाहते हो, बीड़ी तंबाकू छोड़ना चाहते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उनको जरूर आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलाइए क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में उपाय होते हैं जिन्हें हम नशा मुक्ति के तरीके बोलते हैं, सीजेशन स्ट्रेटजी जिसे बोलते हैं, टोबैको सीजेशन स्ट्रेटजीज जिसके चलते जिसके हेल्प से आप उनको कैंसर तंबाकू छुड़वाने में, लत छुड़वाने में, शराब की लत छुड़वाने में मददगार हो सकता है। दूसरा फैक्टर है हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना, सही वक्त रहते शरीर को व्यायाम देना, प्राणायाम करना, घर में स्फूर्ति बनाए रखना और हेल्दी डाइट लेना। हेल्दी डाइट में फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट भरा खाना, हाई रिच इन फाइबर डाइट लेना चाहिए। हमें हर उस तरह का खाना अवॉइड करना है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हों, फूड एडिटिव्स हों, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए जो कलर्स डालते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उन सब में कैंसर कार्सिनोजेनिक तत्व पाए जाते हैं जिनसे हमें दूर रहना है। इन सबसे दूर रहना है और हमें अपने वक्त रहते, सही वक्त रहते अपने डॉक्टर से एक हेल्दी रिलेशन बनाए रखना है। जब भी जरूरत लगे अपने डॉक्टर से अपने मित्र की तरह कॉन्टैक्ट में रहना है, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आने से उनसे चेकअप करना है, उनसे सतत कंटिन्यूसली अपनी दिक्कत शेयर करनी है और सारा यथा पॉसिबल ट्रीटमेंट एज पॉसिबल हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके लेते रहना है। जान लीजिए कैंसर असाध्य नहीं है,
कैंसर पे उपचार पूरी तरह से आज इतनी बढ़ती टेक्निक के कारण संभव हो गया है। प्रारंभिक अवस्था में यदि हम कैंसर जांच लेते हैं तो 80 से 90% तक मरीज हमेशा के लिए भी रोगमुक्त हो सकते हैं। इलाज के उपरांत अधिकांश लोग फिर से अपना व्यवसाय, अपना काम, अपना नॉर्मल पारिवारिक एवं ऑक्यूपेशन व्यवसाय काम धंधा शुरू कर सकते हैं और नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। उपचार के बाद जरूरी है कि सामान्य तौर पर अपना चेकअप करवाते रहें, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते रहें और सबको बताएं कैंसर असाध्य नहीं है, सही वक्त पर इलाज होने से पूरा ट्रीटमेंट जरूरी है। और यदि कैंसर बढ़ भी गया है, आप समझते हैं हाथ से बाहर निकल गया, तो भी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि आज ऐसी भी हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे कि कैंसर यदि जड़ से भी पूरा न जा सके तो पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को राहत मिल सकती है और उनका जीवन हम आसान बनाने में जरूर मदद कर सकते हैं। दर्द का निवारण कर सकते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ है उनकी भूख बढ़ा सकते हैं, उनका वजन कम हो रहा है तो उसमें निवारण कर सकते हैं। कैंसर में जिस तरह से हो सके उनकी आज हेल्प करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास में सारे उपाय मौजूद है। तो कृपया कर लोगों को इस बारे में अवेयर करें, अपने आप अपने सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं और कैंसर को हराने में देश की मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम मैडम। आपने आज हमारे प्रोग्राम को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि हम सब लोग सोचते रह गए कि हम सही में कितना कम नॉलेज हम इस बारे में रखते हैं, जबकि 40% लेडीज को आज ये प्रॉब्लम है और लेडीज को इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लेडीज मेरे जैसा ही सोच रहे होंगे कि सच में हमें इसके लिए कितना अवेयर होना चाहिए चाहिए। और इस प्रोग्राम के द्वारा आज आपने जो सभी लेडीज को यहाँ पर जो मार्गदर्शन किया है वो बहुत ही मतलब मच मोर देन एक्सपेक्टेशन था। और बहुत सी बातें ऐसी हैं, थैंक यू सर, इतना मतलब आपने इतना सब कुछ, ये अभ्यास पूर्ण है आपका कि हम लोगों को इतने शॉर्ट टाइम में आपने कितना कुछ बता दिया, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया और हम लोगों के साथ आपने इतना फ्रेंडली, इतना फ्रैंकली सब इन्फॉर्मेशन शेयर किया। एक छोटी सी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि टीनएजर्स को जो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का जो असर उनके ऊपर है, ये कितनी छोटी सी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जिसको जिस पर हमने कभी गौर नहीं किया था, हम जिसे इग्नोर करते हैं, बट रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी फिल्म से बच्चे क्या सीखेंगे ये नहीं बता सकते कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स भी यहाँ पर, तो ये पॉइंट हम लोग हमेशा हमारे बच्चों को भी बोलते रहेंगे, जरूर बोलते रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि मोटापा जो कि जनरल प्रॉब्लम है सभी का, कि जो एक कैंसर की वजह हो सकता है, तो उसके लिए आपने हमें जो अवेयरनेस किया है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। और एक बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि लेडीज कैंसर का के चेकअप के लिए, हमारे शेगांव में भी बहुत सी बार इसके कैंप होते हैं, रोटरी क्लब के, लाइनस क्लब, हम लोग अलाइड लेते हैं कैंप्स, बट बहुत सी लेडीज जिनको हम बहुत कन्विंस करते हैं कि आपको तकलीफ है तो आप कर लीजिए टेस्ट, बट फिर भी ये डर होता है कि मेरा ब्रेस्ट चला जाएगा या फिर हेयर फॉल होगा, फिर वो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सब चीजों से टेस्ट ही नहीं करवाते हैं, ये हमारे एक्सपीरियंसेस है। और हमारे डॉक्टर अंजुषा मैडम तो हमेशा ही इस बात को बहुत एम्फसाइज करते हैं, सभी हमारे ग्रुप में तो उनका बिल्कुल ये होता है कि नहीं नहीं आपको जाना है, अभी करना है टेस्ट, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। काफी जरूरी है जान लेना कि जिस तरह से महिलाओं में ये कंसेप्ट हो गया है कि यदि स्तन कैंसर हुआ है तो स्तन पूरी तरह निकालना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, यदि हम सही स्टेज में पकड़ ले तो स्तन बचाया जा सकता है। कई महिलाओं को डर होता है हेयर फॉल का, लेकिन आज हमारे पास नई कीमोथेरेपीज, एडवांस मॉडलिटीज उपलब्ध है जिससे कि वो तकलीफ भी काफी हद तक कम की सकती है। हर तरह की नई फैसिलिटी आज हमारे पास हमारे देश में अवेलेबल है, जिसका कि मैं अनुरोध करूंगा कि सब पेशेंट्स लाभ लें, इसका फायदा लें। सही बात है सर, ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताया कि हम उसको ब्रेस्ट का नया ब्रेस्ट बना सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। और तीसरी बात मुझे इंपॉर्टेंट ये लगती है कि ये तो ठीक है हमारे क्लब में तो अभी सभी लोग हैप्पी फैमिली से है, बट बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनको लगता है कि अगर मैं ये टेस्ट कराऊंगी और कुछ निकल गया तो बहुत सारा खर्चा मुझे लग जाएगा, तो एक्सपेंसेस ना हो, फैमिली डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए भी बहुत सारी महिलाएं ये टेस्ट नहीं करवाते हैं या चेकअप नहीं करवाते हैं, तो ये भी एक बात होती है। तो इसके लिए अगर आप कुछ एक देंगे मार्गदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आज हमारे देश में कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी स्कीम्स हैं जिसके चलते फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पैसे की कमी हो, पेशेंट ने नहीं हारी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे MJPJY योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य फंड है, कई सारी इस तरह की राष्ट्रीय और स्टेट लेवल की योजना है, लोकल MPML फंड है, लोकल NGOs के फंड है, कई सारे हॉस्पिटल्स में फंड होते हैं NGOs की तरफ से, जैसे कई अकोला में तुकाराम हॉस्पिटल में भी एक गरीब पेशेंट्स के लिए योजना के अंतर्गत सर्जरी की जा सकती है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे पेशेंट को मिनिमल खर्चे में सबसे उपयुक्त इलाज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो पेशेंट्स ने सिर्फ इस कारण से कि हम पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ट्रीटमेंट से वंचित नहीं रहना चाहिए और यथासंभव ट्रीटमेंट के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए, जो कि उन्हें मिल सकता है। ओके थैंक यू सर। और एक बात मेरे दिमाग में ख्याल में आई कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है, अगर सपोज हो जाता है, वो ठीक तरह से क्योर भी हो गए, तो क्या उन्हें फिर से वो टिश्यूज बढ़ने के चांसेस होते हैं? मैडम ये डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरह का पाया गया था और उसमें कितना उपचार के दौरान कितना फैल गया था। जरूरी नहीं है कि कैंसर ऑपरेशन के बाद कभी वापस आए या ना आए, इस बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है, परंतु ये जरूरी है कि ऑपरेशन के बाद के पहले 3 साल तक मरीज रेगुलरली 3 मंथ की चेकअप करवाते रहे, क्योंकि पहले 3 साल में ही सबसे ज्यादा रिस्क होता है कैंसर बीमारी वापस आने का। यदि 3 साल हैप्पीली निकल जाते हैं तो उसके बाद में बीमारी वापस आने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, और आजकल की टेक्निक से, आजकल की सर्जरी से, एडवांस रेडिकल ऑपरेशन से, तो 3 साल में भी बीमारी के आने के जो रेट्स हैं वो देखा गया कि काफी कम हुए हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वाज 10 ईयर्स 20 ईयर्स अगो। तो नई टेक्निक से, नए पैमानों से आज हम काफी हद तक कैंसर पे परमानेंट विजय भी पा सकते हैं। तो बस अवेयरनेस जरूरी है और रेगुलर फॉलोअप जरूरी है कि कैंसर यदि आपके शरीर में निकला है, आप उससे क्योर हो गए हैं, तो पूरी तरह से निश्चिंत न हो जाए, 3-3 महीने में, 6 महीने में, जैसे आप ऑन्कोलॉजिस्ट सजेस्ट करें उस तरह से रेगुलर फॉलोअप रखें और घबराने की कोई बात नहीं है, यदि बीमारी वापस आती भी है तो उसका यथासंभव इलाज किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। और भी मेरी कई सारी सहेलियां यहाँ पर हैं। और एक और क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई गांठ अपने ब्रेस्ट में हो जाती है और वो गांठ जो है वो फिलहाल तो उसको डिटेक्ट कर दिया है कि वो नॉर्मल है, उसमें कोई कैंसर का टिश्यू नहीं था, रिपोर्ट एकदम अच्छा आया है, बट क्या वो ऑपरेशन करने के बाद, निकालने के बाद फिर से दूसरी गांठ होने का कोई चांस हो सकता है क्या? तो अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन किए जाए? आप लोग चैट में क्वेश्चन डाल सकते हैं।
आप अपने क्वेश्चन चैट में पूछ सकते हैं या फिर हाथ रेस करके भी पूछ सकते हैं। मैम जो आपका क्वेश्चन है गांठ एक बार निकालने के बाद दोबारा आ जाना, मैम ये भी डिपेंड करता है कि जो पहली गांठ है वो किस कारण से आई है। जैसे यदि आप स्तन की गांठ की बात करें तो स्तन में कई तरह की गांठ हो सकती है। कुछ गांठ होती है सादी पानी की गठन जो कि एक बार निकाल ली तो बाद में दोबारा पानी भर सकता है, वो संभव है, उससे घबराने की बात नहीं है। पानी की गठन आती है तो कुछ गठन होती है जिसे हम फाइब्रोसिस्टिक डिसीज कहते हैं, किसी को फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, जो कि सादी गठन है। यदि वापस आ भी जाती है तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमारा जो कंसर्न होता है, जो प्रॉब्लम हमें लगता है, हर गठन को हम सादी नहीं मान सकते हैं क्योंकि हर गठन में एक छोटा रिस्क होता है कैंसर के जंतु होने का, मैलिगेंसी होने का। तो जिसके कारण हम हर गठन किसी गठन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि किसी गठन को एक बार निकल लिया है और उसका टेस्ट में कंफर्म आ गया है बिना, तो फिर हम काफी हद तक निश्चित हो सकते हैं। पर यदि उसमें डाउटफुल है या फिर वो गठन पूरी तरह से नहीं निकाली गई है तो फिर उसका रिस्क बरकरार रहता है। और मैं एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगा कि किसी भी गठन आने पर उपचार किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही करवाएं, बिकॉज वो इस तरह के गठनों में निपुण होते हैं, उस तरह का एक्सपीरियंस उनका होता है, तो आपका एक बेहतर इलाज हो सकता है। यदि उसमें कैंसर के शुरुआती लक्षण भी हैं तो सही वक्त रहते पकड़े जाएंगे और आपका बिल्कुल बेस्ट उपचार हो सकता है। ओके एक क्वेश्चन है कि मेरी मदर को क्या यूट्रस कैंसर था, तो क्या मुझे आने के चांसेस रहेंगे? मैडम यूट्रस कैंसर में ऐसा एक होता है क्वेश्चन आया है। कि हाँ बोलिए, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से बोलिए। हाँ एक बार फिर से कहिए। हाँ हेलो सर, अभी आ रही है आवाज। मैडम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ओके सर, क्वेश्चन ऐसा है कि मेरी मदर को यूटेरस का कैंसर हुआ था, तो क्या मुझे भी यूटेरस कैंसर होने की संभावना है, मतलब अनुवांशिकता से? राइट राइट मैम, यूट्रस कैंसर में अनुवांशिकता देखी गई है कि यदि परिवार में किसी एक महिला को है तो दूसरी महिला को भी आने का रिस्क है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली उनको है तो आपको होगा, क्योंकि यूट्रस कैंसर में भी कई सब टाइप्स हैं, सब सब वैराइटीज है, उसके कई अलग अलग तरह के जेनेटिक म्यूटेशन वेरिएशन पाए गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ वेरियंट्स आर हेरिटेबल जेनेटिक। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि यदि आपकी मदर को था या आपकी बहन को था तो आपको जरूर होगा, पर ये बहुत जरूरी है कि यदि उनको कैंसर पाया गया था तो आपको सतर्क रहना होगा और ऑन्कोलॉजी की सलाह लेनी होगी कि आपको अपना रिस्क कम करने के लिए या यदि बीमारी है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं, जिससे कि यदि आपके शरीर में वो जीन्स आए हैं तो मैनिफेस्ट हो या हो तो उनकी सीवियरिटी कम हो जाए या अर्ली डिटेक्शन हो जाए, इसके लिए आपको उनसे सलाह लेना जरूरी है। ओके थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि स्तन की गांठ या ऊपर स्किन की है, माउथ की है, तो हम उसे आपने जैसे कहा कि रेगुलरली आप उसे देखते रहिए और उसे अपने आप को चेकअप करते रहिए, बट जो यूटेरस के अंदर अगर छोटी छोटी सिस्ट है, मतलब एकदम पोर्स लाइक एकदम दाने दाने जिसे हम मराठी में बोलते हैं, तो वो तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं या उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले पहले कि ऐसा कुछ ना हो? राइट बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। इसके कुछ कैंसर तो होते हैं जैसे कि स्तन का, जिसमें कि हमको स्किन में चेंजेस दिख जाते हैं, निपल में चेंजेस दिख जाते हैं, गठन महसूस होने लगती है। कुछ कैंसर होते हैं मुंह का, जिसमें हमको सफेद दाग चट्टा छाला घाव दिख लगते हैं, तो ये हम थोड़ा फर्क पाना आसान है। लेकिन कुछ कैंसर जो अंदरूनी अंग के हैं, जैसे कि आप यूट्रस का मान लीजिए या पेट का मान लीजिए, इनमें हम कैंसर डायरेक्ट दिख पाना हमेशा संभव नहीं होता है। तो इस तरह के कैंसर का हमको उनके साइन या सिम्टम या जो हम कहते हैं उनके कारण होने वाली तकलीफ, उसके बेसिस पर टेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि यदि आपको शक है कि एंडोमेट्रियम या गर्भपिशवी या सर्विक्स का कैंसर का शक है, तो कई महिलाओं को उसमें रक्तस्राव बढ़ जाता है, शरीर पर महिला मार्ग से सफेद पानी या खून जाता है, मासिक महीना पारी जो कहते हैं वो कम या ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा रक्त बहने लगता है। कुछ महिलाएं जिनका निवृत्ति हो गई है, जिनका कि मासिक बंद हो गया था, दोबारा शुरू होने लगता है गठान के कारण, इस तरह के कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे कि एक वार्निंग साइन है, निशानी है, छोटा सा हिंट है आपको एक कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए और चेकअप करवाइए। उसी तरह से कुछ दूसरी निशानियां हैं जो कि पेट के कैंसर के लिए, कोलन के कैंसर के लिए, जैसे कि वजन कम हो जाना, भूख कम लगना, जल्दी पेट भर जाना, बार बार उल्टियां होना संडास में या उल्टी से या खून शरीर मार्ग में कहीं से खून जाना, पेट भरा भरा लगना, इस तरह की जो निशानियां हैं ये हमारे अंदरूनी पेट के ऑर्गन्स के कैंसर की तरफ निशान कर सकती हैं। तो इन सब के लिए हमको सतर्क रहना है, तो इसका अवेयरनेस रख के जल्द से जल्द चेकअप होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मेरी एक बहुत ही, वैसे तो मेरे सभी क्लोज फ्रेंड है, मेरी एक क्लोज फ्रेंड है स्वाति देशमुख मैडम, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन बताएं। श्योर, थैंक यू सर। जी मैडम स्वाति मैम, आप माइक अनम्यूट कीजिए पहले और फिर आप पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस, आ रही है। नमस्कार 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 सर। मेरी मम्मी को 2009 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उनका ऑपरेट वगैरह सब हो गया, केमोथेरेपी भी हो गई थी। तो मैंने ऐसा सुना है कि उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं कि वो जेनेटिकली है या नहीं है, तो हाँ उसके लिए कुछ टेस्ट करना जरूरी होता है कि वो जेनेटिकली है या नहीं है, तो उसके लिए वो कौन सा टेस्ट करना पड़ता है? और फिर मैं जब, मतलब उस वक्त हम लोग मतलब वो मूड में ही नहीं थे कि कुछ ऐसा हमको पता भी नहीं था, तो ऐसे कुछ टेस्ट, अभी मम्मी तो फिलहाल बहुत अच्छी है, हमने बहुत केयर ली उनकी, तो अभी तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी अगर उनका कुछ मतलब जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम अगर उनका है तो उनके लिए कौन सी टेस्ट वगैरह करवाना जरूरी है क्या अभी? मैडम यदि उन्हें अभी कोई तकलीफ नहीं है और आपके परिवार में सिर्फ आपकी माता जी को कैंसर, ना कि परिवार में और भी कई लोगों को, यदि यदि जैसे कि कई लोगों को आपकी माता जी को, बहनों को, या आपके माता जी के बहनों को, आपकी जैसे मौसियों में, इस तरह से कई लोगों में यदि कैंसर है तो फिर टेस्ट कराने की एक स्ट्रॉन्ग सलाह हम दे सकते हैं। परंतु यदि जैसे आप कहने कि सिर्फ आपकी माता जी में था और बाकी आपकी बहनों में या आपकी मौसी लोगों में या बुआ में कैंसर नहीं पाया गया है, तो फिर इसके अनुवांशिक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एहतियात बरतना जरूरी है, माता जी को भी आई है और साथ ही साथ उनके परिवार में जो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उन्हें भी एक सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है टुवर्ड्स दिस पॉसिबिलिटी, और लाइफस्टाइल चेंजेस अकॉर्डिंगली रखने हैं, समस्त लाइफस्टाइल रखना नहीं है, जरूरत पड़ने से चेकअप करवाना है। और मतलब वो अभी फिलहाल टेस्ट करवाने की जरूरी नहीं है कि मतलब करवा लेना चाहिए आपके ख्याल से? मैडम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए सिर्फ यदि परिवार में तो कैंसर है उसके अलावा बाकी किसी में नहीं है या उनका कोई कैंसर एकदम स्पेसिफिकली हाईली जेनेटिक नहीं है तो जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉस्टली टेस्ट नॉट इजली अवेलेबल। तो अगर परिवार में और किसी को तकलीफ आती है या आपके किसी को हाई रिस्क कोई है कैंडिडेट, तो फिर हम एक टेस्ट की सलाह दे सकते हैं, पर नहीं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल एडिक्वेट है, माता जी ने रेगुलर चेकअप खुद करवाएं और उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव
एनालिसिस भी समय समय पर क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन डॉक्टर से और खुद से करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैडम। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। शायद मैम का जो क्वेश्चन है वो ठीक से क्लियर हो गया होगा डाउट्स। और मैं आपको ये भी पूछना चाहती थी कि अगर हम शेगांव के लोग जो है, शेगांव खामगांव, तो इन लोगों को हमेशा नागपुर या इधर उधर भटकना पड़ता है इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए, तो अकोला में अभी ऐसी सारी फैसिलिटीज कहाँ और कैसे मिल सकती है, क्योंकि हर बार इतने दूर जाना तो पॉसिबल नहीं, और आप तो कोरोना आउटब्रेक में तो बहुत ही मुश्किल हो गया है ये सब रेगुलर चेकअप्स वगैरह, तो आप मुझे थोड़ा सा हम लोगों को ये भी बताइए कि अकोला या कहीं और कैसी कैसी फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पर जी। ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा मैडम, क्योंकि बहुत लोगों को ये तकलीफ आती है। मैं उनको बताता हूँ कि जो ट्रीटमेंट आज बंबई में होता है, जो ट्रीटमेंट आज नागपुर में होता है, वो हमारे पास आज अकोला में बिल्कुल अवेलेबल है, उसी स्टैंडर्ड का अवेलेबल है, सेम लेवल का, सेम दवाइयां, सेम ऑपरेशन, सेम लेवल की रेडियोथेरेपी मशीन, सब कुछ अकोला में अवेलेबल है। उसी तरह के जटिल, उसी तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आज अकोला में कर सकते हैं, उसी तरह की पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को हम प्रदान कर सकते हैं, उसी लेवल की कीमोथेरेपी, उसी लेवल की रेडिएशन सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो मैं सब में अवेयरनेस लाना चाहूंगा कि आप यदि किसी तरह का कैंसर है, किसी तरह की शक है, तो आप अपना ट्रीटमेंट अकोला में भी ले सकते हैं, जो कि आपको अपने घर से पास पड़ेगा, अपने परिवार जनों से समीप है, आपको मैनेज करने के लिए ईजी है, एंड यू कैन हैव द सेम ट्रीटमेंट। तो इफ यू थिंक आप अकोला में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपका ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड बिल्कुल नेशनल लेवल से ही होगा। अकोला में एक तुकाराम हॉस्पिटल में भी कैंसर का होता है, और मेरे पास डॉक्टर बगड़िया हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में भी ये सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच सर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आई तो लोग सीधा नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद या पुणे जाते हैं, बट आपने बहुत अच्छा अभी हम लोग को मार्गदर्शन किया है कि ये अकोला में भी हो सकता है, अकोला तो हमारे शेगांव के लिए एकदम पास में है। दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि एक ब्रेस्ट में ऑलरेडी गांठ थी, वो गांठ निकाल दी है जिसका कि रिजल्ट नॉर्मल है, पर अभी दूसरी ब्रेस्ट में भी सेम गांठ हो गई है, तो सर क्या उसका भी ऑपरेशन करना जरूरी है? ऑपरेशन से पहले उसकी जांच करना जरूरी है कि वो गठान किस तरह की लग रही है, पेशेंट की उम्र कितनी है वो देखना होगा, पेशेंट की गांठ कितनी बड़ी है और स्तन किस जगह पर है देखना पड़ेगा, गांठ की कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद हम बता सकते हैं कि उसे निकाल लेना उपयुक्त होगा या फिर कुछ दूसरे तरह का उसमें इलाज करना है। पर यह जरूर है कि उसे दुर्लक्ष ना करें और उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट या एटलीस्ट उसका टेस्ट, मतलब इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएं। अच्छा, अगर पहली गांठ निकालने के बाद दूसरी गांठ के लिए बीच में कितना समय होना चाहिए कि हाँ पहला ऑपरेशन कर लिया और दूसरा भी करना है डॉक्टर ने अगर कहा है, हाँ, तो उसके बीच में हम कितना मार्जिन रख सकते हैं समय का? मैडम उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बिकॉज जैसे ही यदि हम जानते हैं कि दूसरे स्तन में भी कैंसर की गठान यदि आती है, तो फिर बिना वक्त गवाएं उसे जल्द से जल्द निकाल लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई सादी गठान बताते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन तपास से मालूम पड़ गया सादी है, तो उसमें कुछ समय रुक सकते हैं यदि आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि रुकना सेफ है, तो पर नहीं, तो इट इज बेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पेशेंट इज फिट फ्रॉम द प्रीवियस सर्जरी, पेशेंट का हेल्थ वापस नॉर्मलाइज हो गया है, उतना जल्दी निकालना बेहतर है। अच्छा, ओके सर, एक तो बात मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपको कि लेडीज जब सपोज 30+ के हो जाते हैं तो इन सब बातों में अवेयर तो हो जाते हैं, बट बच्चे जो कि हम बोल सकते हैं टीनेजर्स, जो 14-15 साल के गर्ल्स हमारे स्कूल में भी बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को तो ये सब कुछ पता ही नहीं होता है, तो हाँ, क्या ऐसे टीनेजर गर्ल्स के लिए हम कुछ सजेशन देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे जो हम उनको पहुंचा सकते हैं? जी मैडम, टीनेजर्स गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को, हमें इनफैक्ट बॉयज को भी शुरुआत से स्कूली वक्त से ही हमें उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अवेयर करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आजकल के जो बीमारियां बढ़ रही है हेल्दी लाइफस्टाइल के कारण है। अब मोस्ट ऑफ डिसीज जो हम कहते हैं कि बीपी, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज या फिर इवन कैंसर, कॉलेज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि एक से दूसरे को नहीं फैलती है बल्कि खुद की ही अपनी आदतों के कारण काफी हद तक बढ़ाई जाती है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी तला गला खाना, फास्ट फूड खाना, इससे ही कई सारी बीमारियां, बीपी, हार्ट डिसीज बढ़ जाते हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम जिसे प्राइमर्डियल कहते हैं, मतलब कि जिनमें कोई अभी तक कैंसर के लक्षण नहीं आए, जिनमें अभी तक हेल्दी है, उन्हें ही हमें अवेयर करना होगा, मतलब बिल्कुल ग्राउंड जीरो, बेसलाइन, स्कूल चिल्ड्रन को हमें अवेयर करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों जरूरी है, डायट अच्छा रखना क्यों जरूरी है, फल खाना क्यों जरूरी है, तला गला, फास्ट फूड क्यों अवॉइड करना है, बीड़ी तंबाकू के क्या नुकसान है, अल्कोहल क्यों नहीं लेना चाहिए, इस तरह के हम उन्हें बेसिक नॉलेज यदि प्रोवाइड करें तो अपने आप उनके ग्रोथ अच्छी होगी और कैंसर फ्यूचर में आने का रिस्क कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ पूछना हो, अगर यहाँ पर उपस्थित सभी लाइनेस सखियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि बेझिझक आप सर से पूछ सकते हैं। सर का नेचर बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है, ये मैंने कई बार सुना है, और सच में आज जब हम लोग इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि सर कितना फ्रेंडली और फ्रेंकली बात कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको पूछना है तो आप हैंड रेज कर दीजिए या फिर मुझे पर्सनल पे चैट में डाल दीजिए, आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा और उसके लिए हम वेट करते हैं। तब तक अगर गोयनका मैडम आए हैं तो मैं उनका माइक अनम्यूट करूंगी, डॉक्टर दीप्ति गोयनका और डॉक्टर पल्लवी बानोले मैडम, मैं आपको भी अनम्यूट करती हूँ, आपका परिचय आपको देना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई आपकी क्वेरी है या सर से बात भी करना चाहते हैं, तो भी आप अपना हैंड रेज कीजिए या चैट में डालिए, अगर हैंड रेज नहीं कर सकते तो चैट में डालिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। डॉक्टर पल्लवी बानोले, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ऑपरेशन सर, एक क्वेश्चन आया है, तब तक मैम आते हैं, तब तक एक क्वेश्चन है, ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद व्यायाम कब से शुरू कर सकते हैं? मैडम ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन किस अंग का ऑपरेशन हुआ है, या ऑपरेशन ने कितना कितना क्षति पहुंची है शरीर को, कितना अंग निकाला गया है, और किस तरह कितने दिन आपके ऑपरेशन को बताया गया है रेस्ट के लिए, वो सब अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। पर मोस्टली मैं कहूँगा कि जैसे यूजुअली स्तन कैंसर का यदि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन मैस्टेक्टमी या ब्रेस्ट कंजर्वेशन जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है, तो साधारण मोस्ट केसेस 90-95% केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट डे वन से एक्सरसाइज शुरू कर दें। पर ये डिपेंड करता है कि हर स्पेसिफिक केस में कि आपका क्या ऑपरेशन हुआ है, कितनी गठान निकली है, और आपके डॉक्टर ने स्पेसिफिकली आपको यदि इसके बारे में और कोई अलग सलाह दी है तो उसे मानना जरूरी है। बट मोस्ट केसेस 90-95% केसेस में हम डे वन से पेशेंट को एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री, सांस की गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब सजेस्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच।
ओके डॉक्टर पल्लवी मैम आप रेडी है तो मैं आपको अनम्यूट कर. हेलो एम आई ऑडिबल. हेलो हेलो. हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है. आप वीडियो भी ऑन कर दीजिए. वीडियो भी ऑन कर दीजिए और आपका परिचय दीजिए. हेलो आपकी आवाज आ रही है पल्लवी मैम. डॉक्टर पल्लवी मैम आपकी आवाज आ रही है. हेलो. हाँ हेलो बोलिए बोलिए. नमस्ते सर. बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया सर आपने आज. लाइनस क्लब की तरफ से हम सब आभारी हैं सर आपके. मैं डॉक्टर पल्लवी बानोले शेगांव में ही प्रैक्टिस करती हूँ जनरल प्रैक्टिस और साथ में स्किन्स के पेशेंट भी देखती हूँ. अच्छा जी. और मेरे हस्बैंड पेडियाट्रिशियन हैं. उनकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है यहाँ पे जी. और बस मेरा बड़ा बच्चा अभी 12th एग्जाम दी है उसने और नीट एग्जाम भी दी है. अभी रिजल्ट आने का है और छोटी गुड़िया की थी 9th स्टैंडर्ड में जी. मैडम धन्यवाद सर. बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया सर आपने आज. धन्यवाद मैडम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. गीता जी कासलानी आपसे कुछ कहना चाहती हैं और मैं अब अपने लाइनस क्लब के लाइनस डॉक्टर ज्योति जी बुतरा इनसे निवेदन करूंगी कि आप गीता जी के बाद आभार प्रदर्शन करें. गीता कासलानी मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं. आप कुछ कहना चाहती हैं. आभार प्रदर्शन लाइनस डॉक्टर ज्योति बुतरा जी करेंगे. यस गीता मैम. हाँ नमस्ते सर. नमस्कार मैडम. नमस्कार. बहुत ही अच्छा गाइडेंस था. बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला. मेरी मम्मी को भी कैंसर ही था. वो मैंने क्वेश्चन किया था. अच्छा. तो अभी जैसे मुझे भी अभी 47 एज है तो मुझे भी 6 महीने से पीरियड्स आना बंद हो गए हैं. तो क्या क्या आप खुद अपने मेरी मम्मी का भी ऐसा ही हुआ था कि 6-7 महीने हुए थे पीरियड्स बंद हुए थे लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया था. उसके बाद 3-4 साल बाद उनको यूट्रस का कैंसर हो गया था. तो ये एज वाइज तो मेरा 47 की कुछ चेक करवाना चाहिए. वैसे मैंने अंजुषा भाभी डॉक्टर अंजुषा बुतरा की 4-6 महीने पहले चेक किया था. उन्होंने बोला पेट में हल्की सी थोड़ी सी सूजन है बाकी कुछ घबराने की बात नहीं है. मैडम ऐसा है कि इस उम्र में पीरियड्स का थोड़ा सा कम हो जाना कुछ बहुत घबराने की बात नहीं लगती है साधारणतः. पर यदि आपको कोई तकलीफ हो रही है या कोई सिम्टम आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार बुतरा मैडम से ही प्रत्यक्ष एक बार चेकअप करवा लीजिए. और यदि डाउट लगता है या वो आपको कुछ सजेशन देते हैं तो आई वुड स्ट्रॉन्गली एडवाइस आपको सजेशन पे एक्ट करके फर्दर स्टेप्स लें तो निगलेक्ट ना करें. मैडम आपको श्योर बहुत अच्छा गाइडेंस करेंगे इस बारे में. थैंक यू सर. जी जी मैडम. नमस्कार. थैंक यू गीता जी. और अब लाइनस डॉक्टर ज्योति बुतरा मैडम को मैं अनम्यूट करने के लिए परमिशन दे रही हूं. आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सर के लिए आप भाग प्रकट कीजिए. गया मतलब क्वेश्चन सब चाहिए मतलब अंजुषा ने तो जाओ में ओके थोड़ा पेटम है होते हो जैसा 47 सर आपने बहुत अच्छे से कैंसर अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी है आपका. हम सभी लाइनेस की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद. और बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला हमको कि किस तरह हमने खुद की कुछ जांच करनी है और सभी पोस्टर से उससे हमारी सब आइडिया क्लियर हुई है. और बहुत ही सरल तरीके से और सभी डाउट्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे सभी के मन में उठ रहे थे उनका सबका निराकरण किया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. और उसी तरह मैं सर मेरा बड़ा बेटा अभी एमएस कर रहा है एम्स दिल्ली से. Congratulations, madam. Congratulations. That is good to know. MBBS भी उसने MBBS से किया है. तो सर आपसे मिलने उसको लेकर आपसे मिलने अवश्य आऊंगी. मैडम से वंदना मैडम से मेरी मुलाकात वंदना मैडम से बहुत बार हो चुकी है मुलाकात. और हाँ हाँ तो बहुत ही जानकारी बहुत ही अच्छी मिली है. और सभी उसी तरह सभी लाइन का भी हार्दिक धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित रही और साथ ही हमारे अध्यक्ष राजीव जी शर्मा जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम हम लाइन के लिए लेकर आए हैं और इतना डॉक्टर साहब ने इतनी बढ़िया मार्गदर्शन हमें किया है उसी के लिए धन्यवाद. मैडम एक एक्सक्यूज मी आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. मतलब मैं डॉक्टर अमित बगड़िया हूँ और वंदना बागरी मैडम है. शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट. सो वी विल अच्छा मुझे लगा मैडम ने तो बोला ना मैडम. हां मुझे लगा बागरी यानी वो अलग है करके पर तब मैंने सुना था अभी वंदना मैडम से तो मुझे लगा वही हां बगड़िया अलग है ना. हां अमन का प्लॉट एक ही है जैसे नेबर्स हैं तो काफी लोग कंफ्यूज हैं. हां एक बार पेशेंट को देखने आए भी थे वहां. हां हां अच्छा 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 हां कोई बात नहीं. सभी लाइनेसेस का और साथ ही साथ आभार प्रदर्शन करने के लिए आभार प्रकट करने के लिए लाइनेस डॉक्टर ज्योति जी बुतरा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ. मैं लाइनेस रजनी जी शर्मा आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ. आप सर के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं और साथ ही साथ सर हम लोगों ने आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से बहुत ही ध्यान से सुना है बट हमको अभी तक ऐसा नहीं लगा कि हम आपसे मिले हैं. तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी इफ यू डोंट माइंड यू स्टार्ट योर वीडियो कि हमारे यहाँ पर लाइनेस के जो सभी लेडीज हैं सभी के जो बच्चे हैं डॉटर्स हैं सन हैं सब लोग ज्यादातर तो उधर ही जा रहे हैं नीट और मेडिकल की तरफ और आपको देख के हम लोगों को बहुत खुशी होगी. हम लोग इंस्पायर हो जाएंगे कि डॉक्टर से हम मिले. तो आप प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए और फिर फॉर दैट इनविटेशन मैम बट अनफॉर्चूनेटली राइट नाउ मेरे डिवाइस का कैमरा में प्रॉब्लम है. आई वुड हैव लव्ड टू इंटरैक्ट विद ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस बट देयर सम टेक्निकल एरर इन माय लैपटॉप. कोई बात नहीं सर. बट डेफिनेटली सम टाइम सून. कोई बात नहीं. लाइनेस क्लब शेगांव जब भी आएगा अकोला आपसे मिलने प्रत्यक्ष रूप में आ जाएंगे. सौभाग्य रहेगा आपसे मुलाकात करने का. जरूर सर. हम लोग आपसे बहुत इंस्पायर हो गए हैं. मैं लाइनेस रजनी जी से रिक्वेस्ट करती हूं. क्या बात रही है. हेलो हेलो सर आपको 2 मिनट और टाइम है ना. 2 मिनट 3 मिनट टाइम है ना सर. हेलो सर मेरी हाँ मेरी आवाज आ रही है सर. आपको जस्ट 2-3 मिनट में हम लोग एंटर करते हैं. आपको समय है ना 2 मिनट का. हाँ रजनी जी लाइनर्स क्लब अध्यक्षा है और वे आपके लिए कुछ कहना चाहती है. हेलो नमस्कार मैडम. हाँ मेरी आवाज आ रही ना. जी मैडम. हाँ सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी जानकारी दी आपसे आज आपने. आपको बहुत अच्छा लगा. सर मैंने एक बात पूछनी थी. लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का ओरल कैंसर का ऑपरेशन हुआ है. अच्छा तो वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज उनसे बात कीजिए. डेफिनेटली. हेलो नमस्कार सर.
हेलो नमस्कार जी, लास्ट ईयर जून में मेरा सीवियर डिप्लासिया का ऑपरेशन हुआ है फ्रॉम दिस साइड राइट राइट अभी तो ओवरऑल ठीक है लेकिन थोड़ा स्पाइसी और ये खाता हूं तो जबान में स्वेलिंग आती है करेक्ट हां जी तो सर ये एक नोन है कि कई बार जिनको पहले सभी को फाइब्रोसिस जो हम कहते हैं यदि उसका कंपोनेंट रहा होगा तो उस कारण से स्पाइसी खाना मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए हमें जैसे कि माउथ का हाइजीन रखना है यदि कोई बीटल या टोबैको प्रोडक्ट का सेवन है या हाँ तो उसे पूरी तरह से बंद रखना है कभी शुरू नहीं करना है हेल्दी डाइट रखना है ओरल हाइजीन रखना है दिन में जैसे दो बार ब्रश करना है माउथ वॉशेस करने हैं क्लोरोक्सिडिन गार्गल करने हैं इस तरह के जो रूटीन सिंपल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हैं हाइजीनिक मेजर्स हैं वो हमको पूरे फॉलो करने हैं हेल्दी डाइट रखना है डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स ज्यादा सेवन करना है और कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना है कि दोबारा से कोई गठान या जख्म या सफेद चक्का या डिस्प्लेसिया का एरिया तो नहीं आ रहा है इसके लिए रेगुलरली चेकअप करवाते रहें बाकी गार्गल तो करता हूं उसे लिक्विड दिया हुआ है लिस्टरिन करके आप रेगुलर इंटरवल्स पे आपने जहाँ पर भी ऑपरेशन करा हो या किसी भी आप ऑन्कोलॉजिस्ट को जानते हो तो उनके पास रेगुलर एक कुछ समय में फिक्स इंटरवल में दिखाते हैं और खुद से भी रेगुलर आईने में अपने मुंह जांच करते हैं जी वो तो कर रहा हूं मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है राइट राइट तब से ज्यादा मुश्किल हुआ है मेरा एक्चुअल ऑपरेटर डॉक्टर जितिन भोला अच्छा अच्छा जी जी अच्छा उसमें बहुत अच्छी खबर है ना पर वही की इसमें पूरी तरह से निश्चिंत होकर इसे भूल नहीं जाना है बस वक्त से चेकअप करते रहना दो महीने जाता रहता हूँ लेकिन लॉकडाउन की वजह से जा नहीं सका मैं ओवरऑल बाकी यहाँ पे जो डॉक्टर है डॉक्टर अभय गोयनका जी जी इनको मैं रेगुलर चेकअप करवाते रहता हूँ बहुत अच्छी बात है उन्होंने डायग्नोस किया फटाफट बहुत अच्छी बात है स्टेज पे ये चीज हो गई बहुत अच्छी बात है सबसे बड़ी मतलब माइनस पॉइंट मेरे लिए है कि मैंने ना तंबाकू खाया ना सिगरेट भी है ना पान खाया ना सुपारी खाई है राइट सर ये बैड लक से ही कई लोगों को हो जाता है जो कि कभी इसमें नहीं है पर सम फैक्टर बियॉन्ड आवर कंट्रोल जिनके कारण ये कई लोगों में हो जाता है जी 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 बट अच्छा रहा आपकी किस्मत में कि इसमें कैंसर के जंतु नहीं आए हां जी हां जी बहुत बहुत सॉरी थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू डॉक्टर अभय जिन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज पे मेरे पीछे लग गए और थैंक्स टू डॉक्टर नितिन भोला और ओवरऑल थैंक्स इस कोविड में भी आपने मतलब किया टाइम दिया सुनने के लिए और अपना सजेशन दिया बहुत बहुत थैंक यू सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार सर ओके थैंक यू सो मच सर और अगर आप रजनी जी आप कुछ कहना चाहती है या फिर अभी हम इस प्रोग्राम को संपन्न हो गया ऐसा एक मिनट मैं रजनी जी से पूछती हूँ एज अ प्रेसिडेंट वो कुछ कहना चाहते हैं बस धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सबको और पूरे मेंबर्स को जिन्होंने अटेंड किया और जिन्होंने बोला भी जी शुक्रिया तो मैं अपने तरफ से भी पूरे लॉयनेस क्लब को एक तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि कैंसर के बारे में अपने समाज में अवेयरनेस फैला सके और अंतरराष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है उसे इतने अच्छे से इतने सरलता से सेलिब्रेट करवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू रजनी जी थैंक यू सर और सर जैसे हम और एक आपसे फेवर चाहेंगे कि हमें एक व्यसन मुक्ति के लिए स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई प्रोग्राम लेना है तो आप मुझे जरूर गाइडेंस कीजिए वो प्रोग्राम भी हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करेंगे डेफिनेटली ले सकते हैं मैडम क्योंकि यंग एज में ही लोगों को जनरली तंबाकू की आदत शुरू होती है तो इट इज नेसेसरी कि हम उसी एज को टारगेट करके स्कूल चिल्ड्रन के लिए और उस तरह से कैंसर का अवेयरनेस और टोबैको अवेयरनेस के कैंपेन जरूर ले सकते हैं लेने चाहिए तो आई विल बी ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद योर सच अ गुड इंस्टीट्यूशन प्लीज मुझे बताइए आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द प्रोग्राम्स थैंक यू सो मच सर यू हैव शेयर्ड अ वेरी वैल्यूएबल टाइम विथ अस और आपको सुनकर हम बहुत इंस्पायर हुए ऐसी बातें जो कभी नहीं भूलेंगे ऐसी बातें आज हमें सुनने के लिए मिली उसके लिए डॉक्टर खान सर का भी मैं स्पेशली थैंक्स करती हूँ खान सर ने भी मुझे एडवाइस किया गाइडेंस किया अच्छी तरह से और खान सर आज नहीं आ पाए क्योंकि वो बिजी थे और आपने हमें बहुत ही मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ मिला है थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ लाइनर्स क्लब एंड स्पेशल थैंक्स फ्रॉम मी आल्सो थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू टेक केयर ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू सो मच